हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि अकाउंटिंग बेसिक चीजें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि अकाउंट में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंटेंट होते हैं जिसको अकॉर्डिंग टू रूल एक को डेबिट तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। कब किसको डेबिट करें और कब किसको क्रेडिट करें, इसके लिए अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, उसके अलावा कोई चौथा पार्ट नहीं है। तो ये तीन पार्ट जो है अकाउंट में, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये तीन अकाउंट में हमने तीन पार्ट में अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब इन तीनों में से हम तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कब किसको कौन से रूल के अनुसार इसको डेबिट या क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन जैसे किसी भी पर्सन का नाम जिसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे श्याम, रमेश, मोहन, तो ये नेम ऑफ पर्सन हो गए। इनके साथ यदि हमारा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। नेक्स्ट नेम ऑफ हर्स, जैसे राम ब्रदर्स, सोनलाल एंड सन्स, तो ये फर्म का नाम हो गया। इनके साथ हमारा यदि कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इनको भी डेबिट क्रेडिट करने के लिए हमको पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेम ऑफ कंपनी, जैसे एक्स लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड एटसेट्रा। तो किसी भी कंपनी के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में कंपनी का नाम इंक्लूड किया जाता है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ हमारा ट्रांजेक्शन होता है तो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, जैसे बैंक अकाउंट, कोई कॉलेज के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ तो उस कॉलेज का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, इन सबका डिटेल हमने पिछले अपने वीडियो में समझा था कि इनका मतलब क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट जो दूसरे के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट और ड्रग्स अकाउंट जो है वो प्रोप्राइटर्स यानी कि ओनर्स के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, ये उन पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे हमको अमाउंट
या कैश लेना है या पे करना है। तो एक्सपेंसेस और इनकम में कभी भी किसी को कुछ अमाउंट देना या लेना हो तो उसमें नेम ऑफ पर्सन नहीं आता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। तो ये अकाउंट सब पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। इनके साथ हमारा कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन होता है तो उसको डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वही रूल अब आपको बता रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि किसी भी पर्सन के साथ या किसी फर्म के साथ या कंपनी के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उनको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल यही है कि यदि वो पर्सन या फर्म या कंपनी या इंस्टीट्यूट हमारे से कुछ ले रही है तो वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और यदि वो हमको कुछ दे रहे हैं तो वो गिवर होगी और हम अपने बुक में उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। या तो वो रिसीवर होंगे या गिवर, दोनों में से कोई एक ही होगा। कभी भी अपने आप को नहीं देखना है कि हम रिसीवर हैं या गिवर, हमको ये देखना है कि जिसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्म या कंपनी या पर्सन या इंस्टीट्यूट, वो हमको कुछ दे रहा है तो गिवर, हमारे से कुछ ले रहा है तो रिसीवर। यदि वो रिसीवर है तो डेबिट, और हमको कुछ दे रहे हैं गिवर है तो हम अपनी बुक में उनका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और इसको डिटेल से समझने के लिए मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो सबसे पहले हमको हर ट्रांजेक्शन में यह देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। डबल एंट्री सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कम से कम दो अकाउंट तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो। बैंक अकाउंट जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो अब इस बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमको पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नहीं आता, इसलिए अभी हम उसको ध्यान नहीं देंगे। पर्सनल अकाउंट है बैंक अकाउंट, तो हमको ये देखना है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हमको देखना है कि बैंक यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है। हमने कैश बैंक में डिपोजिट किया तो बैंक जो है रिसीवर है, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए बैंक रिसीवर है, और रूल है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर बैंक रिसीवर है इसलिए बैंक का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो हर ट्रांजेक्शन में हमको इसी टाइप से देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, उसके बाद उसको देखना है कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो अभी हमने इस अपने इस लेक्चर में केवल पर्सनल अकाउंट के रूल को डिटेल समझा है, बाकी जो दो रूल है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आया होगा।